नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज है नोटबंदी का 18वां दिन। आज और कल बैंक रहेंगे बंद। एटीएम के बाहर सुबह से ही लोगों की उमड़ी भीड़। जनधन खातों में जमा राशि का आंकड़ा 64,000 करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश में जमा हुए 10,670 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल पैसा जमा करवाने में दूसरे नंबर पर। पानीपत में कंबल फैक्ट्री में भड़की मौत की आग। भीषण लपटों में झुलसी 8 जिंदगियां, कई मजदूर घायल। दीवार तोड़कर कई मजदूरों को निकाला गया बाहर। 26/11 हमले की 8वीं बरसी आज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। आतंकवादी हमले में गई थी 160 लोगों की जान, 300 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। सीमा पर जारी तनाव के बीच पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की नसीहत। पाक संसद में एमक्यूएम ने उठाई है मांग। और मोहाली में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इंग्लैंड की टीम। ठंडी रही इंग्लैंड की शुरुआत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।